हाँ जी रवि जी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 12 महीने का रेस्टोरेंट मैं अपने साथ लेके चल रही हूँ। मेरी जैसी जो सिस्टर है या माता है या मेरे ब्रदर है वो भी ये बिजनेस इजीली करता है। महीने का बिजनेस है ये, कस्टमर का ही कस्टमाइज किया हुआ ई रिक्शा है। अगर आपका काम जो है एक जगह नहीं चलता, आप इसको ड्राइव करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं। कार्ड तैयार किया है प्रॉपर, ये डोसा के लिए है, इडली वड़ा के लिए है। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये डोसा तवा इस पे दिया गया, देख पा रहे हैं ये मैंने चलता फिरता तंदूर आपको दिया है। इसमें आप मोमोज तंदूरी बनाइए, चिकन तंदूरी बनाइए, कबाब रोल बनाइए, जो मर्जी बनाइए। हमारे पास जो कार्ड की स्टार्टिंग है मात्र 20,000 से स्टार्टिंग है, 20,000। तो नमस्कार जी, क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको लेके आ गया था भैया दिल्ली NCR की सबसे बड़ी फूड कार्ट की फैक्ट्री, और यहाँ पे भैया आपको आपके बिजनेस के लिए फूड कार्ट अवेलेबल मिलने वाला है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ई रिक्शा पे इन्होंने कार्ड तैयार करके दे दिया। आपको पिज्ज़ा का कार्ड चाहिए वो तैयार कर देंगे, आपको चाय कार्ड चाहिए वो मिल जाएगा, आपको बड़ा पाव कार्ड चाहिए भैया वो भी मिलने वाला है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे तरह तरीके के फूड कार्ट इन्होंने तैयार कर रखे हैं, और मैं आज आपको लेके आ गया था दिल्ली में गुरु कृपा एंटरप्राइजेस के पास। भैया अगर मैं बात करूँ पूरी दिल्ली में ये चैलेंज करते हैं कि भैया हमसे सस्ता हमसे बढ़िया अगर कोई फूड कार्ट दे दे तो भैया फ्री है। तो आज की वीडियो आप लोग पूरी एंड तक जरूर देखना भैया, कस्टमाइजेशन आपके हिसाब से ये लोग करके दे देंगे। नंबर्स भी स्क्रीन पर डाल दिया, आप चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं किस किस तरीके के इनके पास कार्ड्स अवेलेबल होने वाले। तो दोस्तों आज की वीडियो में गुरु कृपा एंटरप्राइजेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरप्रीत जी। नमस्कार मैम, कैसे हो, क्या हालचाल? नमस्कार सर, कैसे हैं आप, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया मैम। तो आज क्या धमाका मचने वाला है। वैसे मैं एक चीज देख रहा हूँ मैम, इतनी सारी कार्ड मैंने आज तक दिल्ली में कहीं देखी नहीं। सर जी कहीं देखी नहीं और ना ही आप कहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम लोग जो है खुद के मैन्युफैक्चरर हैं। आप जैसे कि देख पा रहे हैं मेरी फैक्ट्री में आपको छोटे से लेकर बड़ी तक कार्ड आपको मिलेंगी, ई रिक्शा तक पे कार्ड आपको मिलेंगी, बाइक से अटैच कार्ड मिलेंगी, स्कूटी से अटैच कार्ड मिलेंगी। आप जैसा चाहे वैसा बिजनेस मेरे यहाँ से आके कर सकते हैं सर। बिल्कुल, मतलब हर तरीके का कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर मैं एक बार वॉक थ्रू करवाऊं तो आप लोग देख सकते हैं मैम कौन कौन से कार्ड तैयार करें आज की वीडियो के लिए। आज की वीडियो के लिए सर मेरे पास में बहुत सी कार्ड है, आपके मन पसंद कार्ड है। आप चाहे तो अपना बिजनेस जो है छोटी कार्ड से छोटे काउंटर से स्टार्ट कर सकते हैं जी, जो कि हमारा 20,000 से स्टार्टिंग होता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी सर, ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो ही रही है जी, आप जी। जो आएंगे लाइव यहाँ पे आपको देखने को भी मिलेगा डेमो, और इसी तरीके से जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं सेम सर आपको इसी तरीके से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैडम कोई और है, फैक्ट्री कहीं और है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप आइए लाइव आके फैक्ट्री देखिए और कार्ड देखिए और अपनी मन पसंद आके कार्ड बनवाइए सर। बिल्कुल जी, सारा का सारा खुद की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बनाया जाता है कार्ड। अगर मैं बात करूँ भैया यहाँ पे छोटे साइज से लेकर जैसा आपको कार्ड तैयार करवाना है, आपको फूड ट्रक तैयार करवाना, बाइक के ऊपर तैयार कराना, आज के टाइम पे भैया किसी के पास स्पेस की कमी है तो स्कूटी के ऊपर भी लोग तैयार करवा रहे हैं, तो हर तरीके का सॉल्यूशन मिल जाता है। और इस तरीके के चाइनीज कार्ट हैं, आपको चाहिए पिज्जा कार्ट है, मैम आज के टाइम पे दिल्ली में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है वड़ा पाव कार्ट, वो भी आपको यहाँ पे तैयार करके दे देंगे भैया। बिल्कुल बिल्कुल सर, वड़ा पाव कार्ट आजकल सबसे जो है ट्रेंडिंग पे चल रहा है सर, सबसे बेस्ट चल रहा है। वो हो गया आपका चिकन, हो गया वेज, हो गया जो कार्ट आप बनवाना चाहेंगे वो सारी कार्ट आपको मेरे पास में अवेलेबल मिलेंगी सर। बिल्कुल जी। अच्छा मैम एक चीज मैं देख रहा हूँ, अभी एक ब्रांड के लिए आपने तैयार करे हैं, एक से कितने करे हैं तैयार मैम? सर जी ये जो कार्ट है आप जिस तरीके से अभी देख पा रहे हैं मेरे पास में 4x3 का कार्ट है ये। ओके। और सबसे अच्छी बात सर, हमें जो सबसे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है दिल्ली से ही नहीं सर, इंडिया से ही नहीं बल्कि बाहर देशों से भी मुझे रिस्पांस मिल रहा है, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो लोगो बना हुआ है, ये बना हुआ है हैशटैग रसोई। तो सर जी हैशटैग रसोई का मतलब है ये जो ऑर्डर मुझ पे आया है 8 कार्ड का ऑर्डर है, और ये ऑस्ट्रेलिया का ऑर्डर है, न्यूजीलैंड का ऑर्डर है मेरे पास में। ये जो है कार्ड मेरी सारी बाहर जाएंगी, तो मैं जब बाहर वाले लोग आगे इंडिया में काम कर सकते हैं सर, तो इंडिया वाले यहाँ काम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल जी। और भैया अगर आप दिल्ली NCR से हो तो सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग यहाँ पे आओ, विजिट करो, देखो, और आपको आपके बजट के अंदर यहाँ पे कार्ड तैयार करके दे देंगे। अब ना ही अगर आप कहीं पे दुकान खरीदते हो, कम से कम चाहिए 50-60 लाख रुपए एक दुकान परचेस करने के बिल्कुल, लिए बिल्कुल, और सर, उसका फर्नीचर करवाओगे 10-15 लाख रुपए उसमें लग जाएंगे। बिल्कुल, उसके सर, बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि भैया कस्टमर आएगा या नहीं आएगा। तो इस टाइम सबसे ज्यादा ट्रेंड पे भैया फूड कार्ट चल रहे हैं, एक जगह लोकेशन पे नहीं चला, दूसरी लोकेशन पे चलाओ, दूसरी तीसरी पे चलाओ, आप अपने मन के हिसाब से काम कर सकते हो। भैया
सातों दिन मैं कहूँ तो, अगर मैम जैसे काफी लोग देखता हूँ मैं जो बाइक के साथ पुल करने वाला बनवाते हैं, तो वो भी अवेलेबल हो जाता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बाइक के साथ अटैच करने वाला भी आपको फुटकट मेरे पास से मिल जाएगा। जैसे कि सर आपने बोला कि आप अगर दुकान आकर अभी कहीं देखते हो तो 25,000, 30,000, 50,000 इस तरीके से रेंट लेते हो। आज के टाइम पे रेंट भी इतना ही है, 50,000 का रेंट है। और उसको फिर मॉडिफाई करवाते हो 20 से 25,000 उसमें खराब करते हो, तो 20 से 25,000 में आप अपना बिजनेस भी अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ सर, ये हमारी 5x3 की घाट है, इसमें मैंने जो है पूरा तैयार किया हुआ है। एक बर्नल दिए हुए, 4 कंटेनर दिए हुए हैं। बिल्कुल सर, ये देखो जी। और भैया ये कहना, जितना आप एक महीने का किराया भरते हो ना, उससे हमेशा लाइफ टाइम के लिए आपकी चलती फिरती 5-स्टार अपना होटल आ जाएगा इस तरीके से। सर 5-स्टार होटल भी इसके आगे फेल है, उसका भी जो जिनके 5-स्टार होटल होते हैं उनके भी वो रेट में रेंट पे करते हैं और बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। तो सर जिस तरीके से आप ये फुटकार देख रही है, वैसे कॉन्सेप्ट तो चीन और जापान का है, तो लोग जाते हैं जापान कमाई करने, चीन कमाई करने। तो सर जब सारी चीजें यहाँ अवेलेबल हो रही है तो हमें बाहर देश जाने की जरूरत नहीं है, इंडिया से ही कमाइए। अच्छा मैम एक चीज मैं देख रहा हूँ, अभी जो ये फैंसी लाइटें हैं, तो सारा पूरा रेडी करके आपके यहाँ से मिलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप जिस तरीके से देख रहे हो सब मॉडिफाई करके मेरे पास मिलेगा। आप जिस तरीके से देखिए, हमने हाइड्रोलिक पल्ले दे रखे हैं। अच्छा, ठीक है, जो मेरी सिस्टर है या जो मेरे ब्रदर है उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इजिली आप कर सकते हैं, इजिली डाउन कर सकते हैं। देखिए और ये देख रहा हूँ सर्विंग स्टेशन भी मिलेगा। ये सर्विस ट्रे है सर, आपके कस्टमरों को दिक्कत नहीं होगी, आप कुछ भी बना के देंगे यहाँ से सर्विस करके वो इजिली खड़ा होकर खा सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। और साथ ही साथ में इसके अंदर भी आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, आपके जो सामान रखना है वो ये पूरा स्टोरेज एरिया है सर। अच्छा, इसके नीचे स्टोरेज एरिया है पूरा इसके नीचे, और ये भी आपको ऊपर पूरा स्टोरेज एरिया है। आप कुछ भी सामान जो फालतू का है, कुछ भी सामान आप इसमें रखना चाहते हैं, SS3 रख दीजिए, कुछ भी रखिए आप इसमें इजीली रख सकते हैं। अच्छा मैम, काफी लोगों का अगर किसी के जैसे इसके अंदर किसी को तंदूर भी लगवाना है, वो भी हो जाएगा ऑप्शन? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम बारबेक्यू आपको लगा के देते हैं। जैसे मेरी एक कार्ट मैन्युफैक्चर हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ सर। जी जी जी, तंदूर तो नहीं सर, तंदूर के लिए तो वो बीच में लगेगा, हम साइड में आपको स्लाइडर। अच्छा, साइड में भी स्लाइडर वाला जो होता है, एक स्लाइडर भी आता है, साइड में भी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से हम स्लाइडर बारबेक्यू लगा देते हैं तंदूर। ये आपका पूरा तंदूर का काम करता है, जब आपको काम करना है तो आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, आपका काम खत्म हो जाए तो आप इसको अंदर कर सकते हैं। बिल्कुल, ये स्लाइडर आपका बारबेक्यू है और प्रॉपर तंदूर का काम करेगा सर। अच्छा मैम, जैसे बार में मैं देख रहा हूँ काट, सारी आपकी काट है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सारी काट हमारी है, ये रेडी हो गई अब कस्टमर के लिए, मतलब रेडी है, मतलब हाँ जी हाँ जी, यहाँ से निकलनी। अब ये छोटी छोटी जो काट तैयार करें, किस किस चीज के तैयार करें मैम? सारे सर अलग अलग पर्पज से काट तैयार हो रही है, कोई चाइनीज आइटम लगा रहा है, कोई वेज लगा रहा है, कोई नॉन वेज लगा रहा है, कोई इडली सांभर लगा रहा है, कोई डोसे की काट लगा रहा है। मैं आपको डोसे की काट भी दिखा देती हूँ। जी जी, बिल्कुल तवे के साथ। ये जो ई रिक्शा पे काट तैयार करा है, ये किस चीज के लिए स्पेशल तैयार करा है मैम? सर ये आपका हो गया बटर चिकन, हो गया तंदूरी चिकन, हो गया ये उस पर्पस से तैयार हो रही है। और ये चलता फिरता रेस्टोरेंट है, अगर आप एक कॉलोनी में आपका काम नहीं चल रहा है तो दूसरी कॉलोनी में आप इजीली ले जा सकते हैं, आराम से लेके कहीं भी जा सकते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल सर। अगर भैया आपको भी अपना ई रिक्शा है तैयार करवाना है कार्ट, आ जाओ। और अगर किसी को अपना एक ब्रांड इस्टेब्लिश करना है भैया, उसको एक साथ 10-15 रेडी चाहिए एक ही डिजाइन के अंदर, आप तब भी यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और एक चीज और मैम, जो हमारी वीडियो देख के आएगा उसको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा ना? बिल्कुल सर, स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट वो मिलेगा आप जब यहाँ विजिट करेंगे, मेरे से कार्ड बुकिंग करवाएंगे, वो डिस्काउंट मैं आपको जब बताऊंगी सर। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं डिजाइंस, तो मैम काफी सारे बना रखे हैं आपने, मॉडल्स काफी सारे हैं, कस्टमर के हिसाब से आप लोग कस्टमाइज करके देते हो? बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मैंने कस्टमर के हिसाब से ही कस्टमाइज किया है, इसमें मैंने उनके मनपसंद उनके नाम से ये लोगो बनाए गए हैं। इसी तरीके से हमने इसमें 3 बर्नल दिए हैं, ठीक है, उसी तरीके से इसमें नीचे आपका जो काउंटर है, ऊपर काउंटर है, स्टोरेज एरिया है। एक बार मैं दिखा देता हूँ कहाँ इनको स्टोरेज एरिया बना के दिया गया है, ऊपर भी स्टोरेज है, नीचे भी, और ऊपर लॉक कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, ओपन लॉक है और हाइड्रोलिक आपको बारिश में धूप में आप इजीली इसको बंद कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये कार्ड हमने मैन्युफैक्चरिंग करके दिया हुआ है क्लाइंट को, और ये छोटा कार्ड है। अब इस तरीके से इसमें भी ये देखिए 2 बर्नल दिए हैं, 2 कंटेनर दिए हैं, ठीक है। बाकी और भी अगर आप चाहते हो एड ऑन करवा सकते हैं, एक बार इनसे कॉन्टेक्ट करेंगे। छोटा सा कार्ड तैयार करके दिया है, बिल्कुल बिल्कुल, मोमोज का कार्ड, पिज्जा का कार्ड, बड़ा पाव का कार्ड, चाय का कार्ड, जो भी कार्ड आप तैयार करवाना चाहते हो। और मैम काफी लोग कहते हैं कि भैया मुझे चाय के केटली के शेप में कार्ड तैयार करना, तो वो भी हो जाएगा? नहीं नहीं सर, वो मैं नहीं तैयार कर पाऊंगी सर, मेरे पास में आप जिस तरीके से कार्ड देख रहे हैं वही आपको कार्ड मेरे पास में अभी जो रेगुलर चलते हैं। हाँ सर,
क्योंकि जो चीज हम लोग पिक्चर में देखते हैं या जो चीज मूवी में देखते हैं वो चीज रियल लाइफ में नहीं होती है। तो इसी तरीके से है, और जिस तरीके से मैं भी ये कार्ड दिखा रही हूँ आपको, ये डोसा कार्ड है। अच्छा, इसमें मैंने डोसा भी ओवन दे रखा है, पूरा तवा दे रखा है, डोसे का एक बंडल दे रखा है। इसी तरीके से आप काफी कार्ड हमसे बनवा सकते हो। जैसे कि रवि जी, आपने आजकल देखा है लोग क्या करते हैं, रेस्टोरेंट ले लेते हैं, होटल से ले लेते हैं, उसमें 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए खर्च करते हैं, उसको मॉडिफाई करवाते हैं, फिर वो आपका जो रेस्टोरेंट है 1 महीने चलता है, 2 महीने चलता है, कस्टमर आते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आता है, 2 महीने बाद कस्टमर आने बंद कर देते हैं, तो आपका जो 15 लाख रुपए है वो टोटल मिला के लॉस में जाता है। बिल्कुल जी, है ना। तो एक छोटा सा हमें क्या है, बिजनेस जब स्टार्ट करना है तो पहले छोटे से करें। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं वड़ा पाव वाली मैडम जो है, उन्होंने भी छोटे से ही बिजनेस स्टार्ट किया है अपना। इसी तरीके से आप भी अपना बिजनेस छोटे से स्टार्ट करें, 2.5x3 की कार्ड से स्टार्ट करें, 20,000 से स्टार्ट करें, उसके बाद में आप चाहे जितना मर्जी पैसा लगाइए सर। अगर आपका रेस्टोरेंट में काम नहीं चलता तो ऐसा तो नहीं है आप रेस्टोरेंट उठा के कहीं और जाके ले जा लगा देते हैं, बिल्डिंग उठा के कहीं बिजनेस में फूड कार्ड को हम कहीं और लेके जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल, इस बिजनेस में आप फूड कार्ड कहीं पे भी ले जा सकते हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, शादी ब्याह, मेले, कहीं पे भी इसको आप ले जा सकते हैं सर, और इजीली। बिल्कुल जी, बाकी आपको वैसे ये कहूँगा, देखो इनके मॉडल्स काफ़ी सारे हैं, आपको काफ़ी सारे, जैसे अगर कोई विजिट करना चाहता है तो मैम कहाँ पे आना पड़ेगा? कोई विजिट मेरे पास रवि जी करना चाहता है तो हमारी जो कंपनी है वो दिल्ली में है, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए। अगर मैं आपका कॉल का जवाब नहीं दे पा रही हूँ तो आप निराश मत होइए, आप मुझे अपना नाम लिख के व्हाट्सएप पे मेंशन कर दीजिए, मैं जैसे ही व्हाट्सएप देखूंगी मैं आपको रिस्पांस जरूर दूंगी सर। और वीडियो पूरी देखनी है, जब तक आप कोई भी वीडियो पूरी नहीं देखते हैं आपको पूरी जानकारी वीडियो की नहीं मिलती है। और जो नियर बाई हमारा मेट्रो स्टेशन है वो डाबड़ी मोड़ है। हाँ, जो नियर बाई हमारा मेट्रो स्टेशन है वो डाबड़ी मोड़ है, आप इजिली आ सकते हैं, मैं आपको कॉल पे पूरा रिस्पॉन्स देंगी, मेरी टीम रिस्पॉन्स देगी आपको पूरा, तो आप वीडियो पूरी देखें सर। बिल्कुल जी, बाकी बस यही कहूँगा, और भी अगर कोई जानकारी चाहिए, अगर आप यहाँ पे विजिट नहीं कर सकते, दिल्ली एनसीआर से कहीं से दूर से हैं, तो आप ऑनलाइन भी अपना कार्ड तैयार करवा सकते हैं, आपको ऑनलाइन डिलीवरी, पैन इंडिया डिलीवरी भी मिल जाएगी। बाकी पूरी जो जानकारी है हमने वीडियो में दे दी है। अगर आप ऑनलाइन डिलीवरी करवाना चाहते हैं, जैसे आप उड़ीसा से हैं, बंगाल से हैं, बिहार से हैं, तो दिल्ली पे आजकल लोग जो है ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते सर, क्योंकि आजकल दिल्ली में धोखाधड़ी बहुत चल गई, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आप मेरा प्रॉपर जीएसटी नंबर देख सकते हैं, करंट अकाउंट देख सकते हैं, कंपनी पूरी रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट द्वारा, तो आप इसमें पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि आप आधी पेमेंट हमें यहाँ दीजिए, आधी पेमेंट आप अपने ट्रांसपोर्ट पे दीजिए, अपना सामान मंगाइए, उसे देखिए, चेक कीजिए, बाकी की पेमेंट आप मुझे तब कीजिए। बिल्कुल जी, बाकी थैंक यू मैम अपना टाइम देने के लिए, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।